ये जी गाड़ी सजा के लाई हुई है। ये गाड़ी क्या दी है? गाड़ी सजाई दी की है? हमको कोई पता है ब्याह है? ये आप देख सकते हैं, ये जरा बड़े साइज के बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। बड़ा अमेजिंग व्लॉग आज होने वाला है। तो चलें जी, चैनल पे जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में बेल के आइकन को दबा दें। तो चलें जी शुरू करते हैं आज की खूबसूरत वीडियो। वहाँ एक शादी है वो अटेंड करेंगे। तो चलें जी शुरू करते हैं आज की वीडियो। कौन सा सरकार है? कौन सा वाला सरकार? चुप वाला सरकार कैसे करते होते बताओ ना, करो ना जल्दी करो ना, कैसे करते रहा तुम्हें कभी बाला को, ठीक है ना। ये खबल बाला है, ये जो है कब्रिस्तान है इनका। और ये सामने हमने जाना है, यहाँ पे शादी है। और इसके साथ जो है हमारे साथ आए हैं हरीम और अहमद और ये अहमद और साथ में हादी, हम तीनों आए हैं। तो चना जी अभी शादी की जगह में चलते हैं जहाँ पे जो है अभी कोई खाने वाना जो है उसके सिस्टम में खाना खाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आपसे मिलते हैं, बल्कि पहले मिलेंगे आप। पूछा मैंने कुछ? ये जी गाड़ी सजा के लाई हुई है। ये गाड़ी क्या दी है? गाड़ी सजाई दी की है? हमको कोई पता है ब्याह है? गाड़ी की सजाई दी है? छोला झूलसी कोथा झूलसी कोथा झूलसी तल्ले खबलो को तल्ले खबलो की झूलसी जनक बारे की ख्याल देने वाले तू सुख लो कि ना गया तू सुख लो कि ना गया थोड़ा ब्याह हो थोड़ी है जी तू मतलब तुरु शादी है तू कोई ना खत खुश होने जी थोड़ा जाए तो समझ में झूठ झूठ हो गया है यार थोड़ा क्या सलाम कर जाओ सलाम करो यानी सलाम करता करो यार समझ में मस्त तक है। अस्सलाम वालेकुम आओ यार तू भी सलाम कर आ फिर रहेगी सिंधु भी वाह क्या एक्टिंग कर रहा है ठीक ठीक है तो सारे ब्याह तय दो तू सुख लो कि ना गया छुट्टी 10 बजे की छुट्टी हो 11 बजे हो छुट्टी होगी दोस्ती तफरीक हुई है या ब्रेक हुई है? ब्रेक हुई है इस तरह आख ना तफरीक नहीं ब्रेक हुई है ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम। चलो बच्चा गड़ी का ख्याल करसू, ठीक है? इस गड़ी का ख्याल करसू, मंगल सूत्र लो, ठीक है ना? ता चीज को कोई बंद हाथ में लावे, सही है ना? नहीं तो सारी थी गोली खालू, सही है ना? तू तो ख्याल खास ख्याल के नीचे तू स्कूल छुट्टी की थी, सही है ना? समझ आई तुको? चले जी। बस गड़ी खलती है। तो इस गांव में जब शादियां होती हैं तो अक्सर जो है यहां पे इस तरह जो है खुद खाना पकाया जाता है, खुद ही जो है सब कुछ बनाते हैं, और कुक वगैरह जो भी है वो लोकल होता है, यहां पे आके यहीं बनाता है। बाकी जो लोग इस तरह बैठते हैं ऊपर जो है इस घर के अंदर जो है खाना पका, ये खिलाने की जगह वहाँ पर है, यहाँ से बना के ऊपर लेके जाते हैं और वहाँ जाकर खिलाते हैं। तो ये खवलवाला का यहाँ का इनका अपना कल्चर है, उसी के मुताबिक जो है ये ज़िंदगी गुजारते हैं। आज से 20 बरस पहले भी इनकी यही ज़िंदगी थी और आज भी इनका वही पुराना सिस्टम है। बड़े मोहब्बत वाले लोग हैं। सादगी का हिसाब किया जाए तो घर जो है माशाल्लाह इतने जो है ये सारे कच्चे मकान हैं, पुराने ज़माने के घर बने हुए हैं, और यहाँ पर इन्होंने जो है उसी के घर के जो है साथ ही ऊपर जो घर बनाते हैं, नीचे जो है इन्होंने अपनी भैंसें वगैरह रखते हैं। अभी ये देखिए सामने, ये यहाँ पर इन्होंने भैंस वगैरह रखी हुई हैं और इसी के आगे जो है अपनी फसलें वगैरह इनके आगे सामने करते हैं। और उसके अलावा जो है सबसे मज़े की बात यह है कि ये जो घर हैं, ये वाले जो घर बनाए हुए हैं, ये घर सर्दियों में जो है ये घर गर्म होते हैं और गर्मियों में ये घर जो है बिल्कुल इससे ठंडे होते हैं। A few moments later. तो ये सर खाना भी आ चुका है, हमारे साथ तो हमारे बुज़ुर्ग भी बैठे हुए हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी सामने हमारे कज़न और साथ में जो है ये भी हमारे कज़न हैं। तो खाना आ चुका है भाई, ये है जी खाना, गोश्त है, मोटा गोश्त है, बिरयानी बड़ी अच्छी बनी है, गोश्त में बने रही बिरयानी बनी, और गोश्त का ये पीस बनाते हैं, ये आप देख सकते हैं ये ज़रा बड़े साइज़ का बनाते हैं, क्योंकि गाँव के लोग जो हैं ये जब शहरों में अक्सर जो है खाना खाया जाता है तो ये पीस जो है इसका साइज़ छोटा होता है, और यहाँ पर इसका जो है पीस का साइज़ ज़रा बना बड़ा बनाया हुआ है, बहुत टेस्टी है। और बाकी जो है बिरयानी जो लोकल जो है लोग हैं उन्होंने बनाई हुई है, बड़ी ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी है। साथ में जो है ये ज़रदा है और पानी भी आ जाएगा। ये सादा सी खुराक और सादा से लोग, पहले मैंने आपको बताया कि बहुत ही सादा से लोग हैं और बहुत ज़बरदस्त मोहब्बत वाले। तो चलें जी, अभी खाना थोड़ा सा जो है वो डालते खाते हैं कि कैसे जो है वो। मज़ा आया। अभी हम लोगों की वापसी, हमारी जो लोग हैं सवारियां हैं वो सारी आ चुके हैं। ये जी मेरे सब्सक्राइबर जो हैं मैं इंतज़ार कर रहे हैं आ गया मैं तो कॉल किया ना। तो ये जी भी हमारे सब्सक्राइबर। फाइनली व्यूअर्स वापसी हो चुकी है। ये जी सामने जो है बटल का जो गांव है वो सामने है, जिसको हम बटल का शहर बोलते हैं,
क्योंकि पुराने जमाने ये शेयर हुआ करता था। सो व्यूअर्स, फिलहाल मैं व्लॉग को यहाँ पे एंड करता हूँ और अभी एडिटिंग वगैरह करनी है। तो आज का व्लॉग बड़ा बेहतरीन अमेजिंग रहा। खबलवाला हम लोग गए, वहाँ पर हम लोगों ने वहाँ का कल्चर, घर, वहाँ के रहन सहन, वो सब कुछ दिखाया आपको। तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। तो चलें जी, मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए वसीम शाह को इजाज़त, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।